मंगलवार की देर शाम को कोसी कला की नवीन अनाज मंडी में खाटू मित्र मंडल द्वारा प्रभु खाटू श्याम का जागरण आयोजित किया गया। जागरण के आचार्य मोर मुकुट शास्त्री राधा कृष्ण शास्त्री द्वारा मुख्य अतिथि कैबिनेट प्रतिनिधि नरदेव चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि तेजवंत जैन आदि लोगों का माला पटुका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्याम भक्तगणों ने भाग लिया। मनीष लाडला अंजलि द्विवेदी ने अपने भजनों से समा बांधा। इसी कार्यक्रम में बरसाने से विश्वविख्यात साध्वी पूनम दीदी ने अपने भजनों से कार्यक्रम में समा बांधा। वहीं उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में राधे राधे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आदि भजनों से पूरे पंडाल के सभी भक्तों को भक्ति रस में डुबो दिया। सभी भक्तगण खड़े होकर तालियों से भजनों को गुनगुनाते हुए झूमने लगे। इस संबंध में कमल किशोर वाष्णेय नरदेव चौधरी एवं भजन गायिका पूनम दीदी ने जानकारी देते हुए बताया।
श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। भगवान की जय। जैसे आप कुर्सी कला आइए तो क्या कहना चाहेंगे मंडली के लिए? आप राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ की संस्था, मैंने संस्था क्या कहूँ, ये ब्रजवासी मेरा परिवार ही है। इन ब्रजवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें अवसर दिया कि इन ब्रजवासियों को रिझा सके। लाडली लाल चरणों में प्रणाम करती हुई बस यही प्रार्थना है कि आप सब मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ आकर मैंने बहुत आनंद लिया, खूब आनंद रहा। आप सबका प्रयास इतना सुंदर था, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। तादाद में महिलाएं, बहनें, हमारे नौजवान बुजुर्ग बाबा खाटू के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। और बाबा से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे श्याम बाबा, इसी तरह इस क्षेत्र पे आपकी कृपा बनी रहे, हमारे पूरे क्षेत्र में प्यार और भाईचारे के साथ साथ विकास की एक संगम के साथ धारा बह सके। मैं आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, सभी पदाधिकारियों का और प्रशासन के सभी साथियों का अपनी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ।